जी दोस्तों, एशिया कप का सबसे कांटेदार मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाला मैच रहा, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन का हदम टीम अफगानिस्तान को दिया। अफगानिस्तान ने हदफ का ताकुब करते हुए पहले तकरीबन तीसरे ओवर में अपनी पहली विकेट खो दी थी। उसके बाद मिडल में जब मोहम्मद नबी आए तो मोहम्मद नबी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके तकरीबन मैच श्रीलंका से छीन ही लिया था, लेकिन श्रीलंका ने फाइट बैक किया। उसके बाद राशिद खान अपनी बारी के लिए जब आए तो राशिद खान ने पूरी कोशिश की मैच को अफगानिस्तान की झोली में डालने की, लेकिन बदकिस्मती से राशिद खान आखिरी बॉल पर चौका लगाकर दूसरी साइड पे गए, तब 8 विकेटें गिर चुकी। 8 विकेटें गिरने के बाद राशिद खान दूसरे एंड पर चले गए और यहाँ पर मुजीब ने एक आसान सा बाउंड्री पर कैच दे दिया। 9 आउट होने के बाद फरूकी फजल हक फरूकी जो है वो ग्रीस पर आए और आखिरी खिलाड़ी के तौर पर ग्रीस पर आए थे, जहां पर श्रीलंका स्पिनर बॉलर ने उसे भी LBW आउट करके मैच जीत लिया। और यहां पर मैच जीतने के बाद राशिद खान और फरूकी की शक्ल देखने वाली थी और ये तकरीबन सुपर फोर की रेस से भी बाहर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के लिए आज की रात बहुत खौफनाक गुजरी और एशिया कप से तकरीबन ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं अफगानिस्तान टीम।